हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैदराबादी फूड हब। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा सेटअप, इससे आपको पता चल गया है आज हम बना रहे हैं चाय। चाय तो वैसे हर घर में बनती है, लेकिन परफेक्ट चाय बहुत कम लोग बनाते हैं। मैं आपको आज बताऊंगी परफेक्ट दूध की चाय कैसे बनाते हैं, परफेक्ट स्ट्रॉन्ग। और दूसरी, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आजकल ट्रेंड चल रहा है ज़ाफ़रानी चाय का, तो हम बनाएंगे ज़ाफ़रानी चाय भी। और बताऊंगी मैं आपको ब्लैक टी यानी सादी चाय कैसे बनती है। चलिए स्टार्ट करते हैं दूध की चाय कैसे बनाते हैं, परफेक्ट हैदराबादी या फिर आप कह सकते हैं ईरानी चाय। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं परफेक्ट स्ट्रॉन्ग चाय। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, पहले मैंने डाला है 1/2 कप वाटर, और अब हम इसमें ऐड करेंगे पत्ती। पत्ती मैं डाल रही हूँ इसमें 2 टीस्पून, फुल 2 टीस्पून। ये 2 कप चाय के बता रही हूँ मैं आपको इंग्रेडिएंट्स, फुल 2 टीस्पून लगेगी पत्ती हमें, और शक्कर भी जाएगी फुल 2 टीस्पून। अगर आप फीकी पीते हैं तो थोड़ी सी कम कर लें। अब हमें इसे पकने देना है। आप चाहें तो डायरेक्ट दूध में बना सकते हैं, लेकिन पत्ती जब पानी में पकती है तभी उसका सही फ्लेवर आता है। तो हम इसे थोड़ी देर पानी में अच्छे से पकने देंगे, थोड़ी देर हाई फ्लेम पे, फिर थोड़ा सा कम कर। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दूध, और उसे हम इसे दम पे छोड़ देंगे फॉर अप्रॉक्सीमेट 8 मिनट्स। उससे पहले हमें चाय को नहीं निकालना है। दम की चाय का मतलब ही यही है कि चाय दम पर पकती है और पत्ती का फ्लेवर दूध में आता है। ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है चाय। इस पर मैं एक शॉर्ट नोट बुक भी लिख सकती हूँ, क्योंकि इट्स माई फेवरेट। चलिए बताती हूँ मैं आपको, ऐसी परफेक्ट चाय आप बनाएंगे, सुबह 1 कप पी लें, पूरा दिन आपका आराम से रिफ्रेश हो जाएगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अप्रॉक्सीमेट, ये देखिए ये उबाल आ रहा है, और अब मैं इसे कम पे कर दूँगी, फ्लेम को कम कर दें। फ्लेम को कम कर दें और हम इसमें ऐड करेंगे ऑलरेडी बॉयल कर किया हुआ दूध, वो मैं ऐड करूंगी 1.5 कप। चाय के कलर से पता चल जाता है कि चाय कितनी अच्छी बनी है। अब हम इसे एक उबाल आने देंगे। एक बॉईल होने के बाद मैं इसे सिम पे 7 मिनट्स के लिए रख दूंगी। जब तक कि ये सिम पे दम होती है, मैं आपको साइमल्टेनियसली बताऊंगी ज़ाफ़रानी चाय कैसे बनाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। दूसरे नॉब पर मैं ऑन करूंगी, और ये चाय को मैं सिम पे ट्रांसफ़र कर रही हूँ, और हम बनाएंगे ज़ाफ़रानी चाय। ये चाय ऐसे ही पकते रहेगी सिम पे। ज़ाफ़रानी चाय के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, हमें दूध को ज़ाफ़रान डाल के अच्छे से पकाना है। ये ले लिया मैंने दूध, मैं ये 1 कप बता रही हूँ आपको। दूध थोड़ा इसमें पकेगा तो इसलिए मैं 1.5 कप दूध ऐड कर रही हूँ, और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान और दूध अच्छे से पकने के बाद हम इसमें चाय की पत्ती और शक्कर ऐड करेंगे। देखिए ज़्यादा नहीं डालना ज़ाफ़रान, ज़ाफ़रान गर्म होता है। अब हम दूध और ज़ाफ़रान को पकने देंगे। ये देखिए दूध बॉईल हो रहा है, अब मैं इसे कम कर दूंगी। आप चाहें तो और देर इसे इसी तरह ज़ाफ़रान में पका सकते हैं, मगर मैं इसमें अभी ऐड कर दूंगी पत्ती, टी पाउडर और शुगर, ताकि ये और उसके साथ पकता रहे। 1 कप चाय है ये, इसीलिए मैं इसमें डालूंगी 1 फुल टीस्पून ऑफ टी पाउडर। चाय के लिए ज़रूरी है बहुत ही अच्छी पत्ती। पत्ती मैं बहुत देखकर यूज़ करती हूँ, बहुत सारी पत्तियाँ हैं मार्केट में, मगर बहुत कम पत्ती जो है जो मुझे अच्छी लगती है। तो इट्स अ ट्रायल एंड एरर, आपको भी देखना पड़ेगा कौन सी पत्ती आपको सूट करती है, कौन सा फ्लेवर, प्लेन, चॉकलेट, पत्ती में भी बहुत सारे फ्लेवर आते हैं। चलिए इसके लिए भी सेम प्रोसीजर जाएगा, इसको हम एक उबाल आने देंगे और हम इसे दम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। और मैं आपको इसको बताऊंगी कि 7 मिनट्स के बाद ये कैसा टर्न आउट होती है, कितना परफेक्ट चाय का कलर आता है। इसके बाद हम बनाएंगे ब्लैक टी, जिसे आप सुलेमानी भी कहते हैं या सादी चाय भी कहते हैं,
उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पुदीना, जो बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है और कॉन्स्टिपेशन के लिए या फिर एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा होता है स्पेसिफिकली, और थोड़ी सी इलायची, एक इलायची। ये देखिए हमारी दोनों चाय पक चुकी है, अब मैं इसे छान लूँगी और फिर आपको बताऊँगी कैसे बनी है ये। चलिए देखते हैं फाइनल। ये देखिए ज़ाफ़रानी चाय कितनी परफेक्ट बनी है, ऐसा कलर होना चाहिए चाय का। और ये मैं बताऊंगी, ये मेरी दूध वाली चाय, ये देखिए एकदम परफेक्ट, न ज़्यादा पत्ती है न ज़्यादा गाढ़ी है। इन्जॉय करिए बिस्किट्स के साथ। अब हम बनाएंगे प्लेन टी यानी कि सादी चाय, परफेक्ट दूध की हैदराबादी ईरानी चाय। चलिए अब हम बनाएंगे ब्लैक टी, के लिए मैंने ऐड किया है 1.5 कप वाटर। पानी को थोड़ा सा बॉयल होने देते हैं, थोड़ा सा गर्म, हल्का गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पत्ती, टी पाउडर। ब्लैक टी में एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि ब्लैक टी पाउडर बहुत ही कम लगता है, सिर्फ इतना सा, वरना ये बहुत ही कड़वी हो जाएगी और आप इसे पी नहीं सकते। और बहुत सी चाय होती है, मसाला टी, नॉल, अदरक की चाय, ये आपके ऊपर है, आपके फ्लेवर के ऊपर है। 1 टीस्पून अगेन शक्कर, शक्कर आप अपने हिसाब से लें, कम या ज़्यादा, मीठी या फीकी पीते हैं। और इसे हम अच्छे से पकने देंगे फॉर अबाउट 3 to 4 मिनट्स, ज़्यादा नहीं पकाते हैं इसे। इसका कलर एकदम परफेक्टली कोको कोला कलर कैसा होता है वैसा आना चाहिए। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 4 पुदीने के पत्ते, और मैं इसमें डालूँगी 1 इलायची, ऐसे थोड़ी सी खोल के इलायची को, 1 इलायची मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप जब दूध की चाय बना रहे हैं, अगर आपको अदरक वाली चाय पसंद है तो थोड़ा सा अदरक घिस के उसमें डाल दें, वो अदरक की चाय बन जाएगी। ज़्यादा फ़र्क नहीं है दूध की चाय और ज़ाफ़रानी चाय में, बस इतना है कि हम दूध में ज़ाफ़रान को पकाते हैं फिर पत्ती शक्कर डालते हैं। 21 मई को इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है, इसीलिए मैंने सोचा चलिए आपको भी बताते हैं कि परफेक्ट चाय आखिर बनती कैसे है। इन्जॉय करिए सबके साथ और देखते रहिए हैदराबादी फूड। अब इसे पकने देते हैं हम, और इसके बाद हम बताएंगे कि कैसी बनी है हमारी ब्लैक टी। इसी तरह ये बॉयल होगा, ओवरफ्लो नहीं होगा, मीडियम फ्लेम पे 3 मिनट, ज़्यादा नहीं पकाना है, जस्ट 3 मिनट्स। ये देखिए 3 मिनट हो गए हैं और ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है हमारी ब्लैक टी। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे और सर्व करेंगे कप में। ये हमारी ब्लैक टी रेडी हो गई है, इसका परफेक्ट कलर आपको ट्रांसपेरेंट कप में आएगा, और इसे सर्व करने के लिए हमेशा ट्रांसपेरेंट कप्स यूज़ की जाती हैं। ये देखिए पुदीने वाली परफेक्ट ब्लैक टी सादी चाय, बहुत अच्छी होती है हाजमे के लिए। आप इसे कभी हैवी मील लेने के बाद इसे पी ले तो आप अच्छा रिफ्रेशिंग फील करेंगे, अच्छा लगेगा आपको। देखते रहिए प्लीज़ हैदराबादी फूड, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, शेयर करिए अपने दोस्तों में।